अभी मैं बहुत जोर से भूख लगी थी, खमागनी रेस्टोरेंट है अच्छी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की बारा का मेला है यार गाइस, एंड अपन रेडी वेडी हो ही चुके हैं ऐसे, पर मेरे को लग रहा है ऐसे चेंज वेंज करके फिर निकलना पड़ेगा क्योंकि वड़गोला वाला सिस्टम है यार। एंड जितू भाई अपना वेट कर रहे हैं इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ ऐसे, एंड जल्दी से निकलते हैं यार किवाड़ा मेला के अंदर, है ना गाइस। किवाड़ा बाजार के अंदर से अभी अस्पारी वगैरह निकल रही है। हेलो शक्ति भैया, शक्ति भैया मगर पीछे देख रहे हैं, शक्ति भैया गाइज। मेले में ऐसे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। वैसे किवाड़ा के मेला हर साल पाली जिले में ऐसे टॉप नंबर पे जो मेले ज़्यादा है उनमें ऐसे गिना जाता है करके। एंड अपन का तो है ही यार, किवाड़ा ही गाँव है तो तारीफ तो करनी बनती है मेले की। एंड सजी को तो बहुत ही शानदार ऐसा मेला वेला भरा है। मैं शक्ति भाई वगैरह आई जी स्वीट में ऐसे आए थे, वो आई जी स्वीट करना कुछ खावा लेते हैं ना, सब बहुत ज़्यादा भूख वगैरह भी लगी है। केवर भाई आज क्या खिलाने वाले हो? हम कत्ते खिलाएंगे, मिठा खमन खमन कर लेंगे, एक प्लेट खमन वगैरह कर लेते हैं। डांस करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए हैं, शक्ति भैया पिला रहे स्लाइस स्लाइस दिखाओ। हाँ ले लो यार, फुटकी बोल रहे यार। शक्ति भैया की तरफ से ये भी, शक्ति भैया आपकी तरफ से, शक्ति भैया ये भी आपकी तरफ से, सभी ऐसे फ्री करवा लेते हैं। गाइस बहुत ही शानदार सीन था यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा डांस वांस गया। एंड अभी भी वड़गोला तो ऐसे चल ही रहा है पर अपन बीच में से ऐसे बाहर निकल के आ गए। एंड जहाँ पे अपने बाइक ऐसे पार्क की थी ना वहाँ पे शक्ति भैया एंड मैं वगैरह जा रहे हैं, उस सामने ही है बाइक पार्क की हुई। शक्ति भैया की सुपर एंड जीतू भैया की हीरो। शक्ति भैया डांस करके कैसा लगा बता दो। शक्ति भैया शानदार शानदार वाकई है। जीतू भैया आप बता दो डांस करके कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, हर बार की तरह। हाँ तो अभी गाइस अभी जल्दी से घर पे चलते हैं, ऐसे रेडियो के वापस आ जाएंगे, बाइक में ही चला रहा हूँ यार। गाइस किवाड़ा मेला के अंदर मैं आपको सुबह में स्कूल के एक छोटे से बच्चे से ऐसे मिलवाना चाहूँगा, काम ये बहुत ही बड़ा कर रही है, क्या काम कर रही है मैं उसी से सुनवाता हूँ आपको। हेलो हेलो, माय नेम इज रहीमा, आई एम फ्रॉम सुपर पब्लिक स्कूल, मैं यहाँ पर जल सेवा कर रही हूँ। थैंक यू। और ये शुभम स्कूल यार, शुभम स्कूल मेले के अंदर काफी अच्छा काम कर रही है यार, एंड शुभम स्कूल का बहुत ही जल्द ऐसे व्लॉग भी आने वाला है। गाइस फाइनली अपन मेले के अंदर ऐसे पहुंच चुके हैं, एंड मेले के अंदर काफ़ी ऐसा मज़ा आ रहा है, एंड हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा ऐसे भीड़ वगैरह है। एंड झूले वगैरह आपने देखे ही होंगे, जल्दी से झूले वूले में बैठ जाते हैं फिर घर भी निकलना अपन को, है ना। शक्ति भाई जितने मतलब खड़े हो रहे हैं, वैसे खड़ा होना नहीं चाहिए करके। गाइस मेले के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, एंड सबको पानी वगैरह जगह जगह ऐसे पिलाया जा रहा है, किसी को ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो मेले में करके। एंड पीछे ऐसे छांस का स्टॉल लगा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो छांस वगैरह भी पिला रहे हैं सभी को, अच्छी बात है यार, पता नहीं कौन पिला रहे थे, अपन भी पी लेते जल्दी से।
गाइस मेले में इतनी देर घूमने के बाद बहुत ही ज़्यादा ऐसे थक गए हैं, भूख भी लग रही है यार। एंड अभी अपन पहुंच चुके हैं खम्मागणी में। खम्मागणी में अपने ब्लॉग भी ऐसे शूट किया था करके। एंड मांगेश भाई भी फाइनली अपन को यहाँ पे मिल चुके हैं। मांगेश भाई से मिलवा देते हैं। मांगेश भैया हेलो, कब से ढूंढ रहे थे हम आपको यार, आप अभी मिले हो। मैं सुबह से घूम रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं बहुत जोर से भूख लगी थी। खम्मागणी रेस्टोरेंट है, खिवाड़ा का सबसे फेमस होटल कह सकते हैं, रेस्टोरेंट कह सकते हैं। हाँ मैंने बता दिया, यहाँ पर अपने ब्लॉग करके बनाया था करके। एक बार हमारे बड़े भाई साहब भी हमारे साथ में। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आपके खम्मागणी में हम आ चुके हैं फाइनली। क्या खा ले अब, सभी कुछ खा ले हमें? हाँ खा लीजिए, बस पेमेंट नहीं करेंगे हम उसका। नहीं कोई बात नहीं, चलो घर की बात है। हाँ तो बिल्कुल, तो खा लेते हैं फिर जल्दी से। ओके ओके, ओके, ओके। बिल्कुल, तो अंकल जी ने, हाँ बिल्कुल, ये अपनी खम्मागणी है यार, एंड पेमेंट अपन नहीं करने वाले, जस्ट खा के निकल जाएंगे यहाँ से। राजस्थान मेलों का अपना एक कल्चर है, जिसमें हम पाली जिले में फसल कटने के बाद में लगभग बड़े गांवों में मेले लगते हैं अपने आराध्य देव के। खिवाड़ा का मेला बालाजी महाराज का आराध्य देव के रूप में पिछले 75 वर्षों से लग रहा है, जिसमें आसपास के लोग लगभग हर मेले में 35,000 से 40,000 लोग आते हैं। इस मेले को भरवायदा श्री हीराचंद जी चोपड़ा ने जो अनवरत चल रहा है अभी लगभग पिछले 30 साल से, ये मेला जिसमें महाप्रसादी का आयोजन होता है और आसपास के करीब 35,000 से 40,000 लोग यहाँ पर प्रसादी का आनंद लेते हैं। साथ ही इस मेले में विभिन्न प्रकार के झूले और अनेक प्रकार की पुरानी और सांस्कृतिक चीज़ों का मिलते हैं और लोग यहाँ पर अपनी अलग अलग वेशभूषा में, अपने अपने समाज की वेशभूषा में आकर के आनंद लेते हैं और इस मेले को बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। ओके सो गाइस, व्लॉग को ऐसे एंड करने का टाइम आ चुका है। मेला काफ़ी ऐसे शानदार था खिवाड़ा का, एंड हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा ऐसे भीड़ वगैरह आई। मैंने, शक्ति भैया, जीतू भैया वगैरह सभी ने ऐसा बहुत ज़्यादा इन्जॉय वगैरह किया। एंड अभी टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी और नए डेली व्लॉग में।